प्रोग्राम बैंक आए घर में कंफ्यूजन ना दुविधा, कॉमन सर्विस सेंटर में एंटर करो रे भाई, डिजिटल सेवा का आनंद ले लो भाई। सीएससी एन्नुडिया अडियाल सीएससी न्यून पर्सन सीएससी मेरी पछाड़। सर उठाए महिला ना हो किसी सहारे, हर गांव में है मजमा आधार पे हमारे, सरकार पास जाए क्यों आम बंदा जो हो, सरकार खुद ही आए क्या हाल चाल बोलो। I dream of a digital India where government services are easily and efficiently available to citizens on mobile devices. भारत के भविष्य को बदलने का एक खाका खींचा है।
डिजिटल इंडिया का मकसद ही था सरकारी सेवाओं को जनता को मुहैया करवाना, और आज भारत के लगभग 1.5 लाख पंचायतों में फैले कॉमन सर्विस सेंटर इसे बखूबी निभा रहे हैं। साल 2015 में शुरू हुए डिजिटल इंडिया के इस उद्देश्य को पूरा करते हैं ये VLEs, जो न सिर्फ अपने जीवन में बदलाव कर पाए हैं बल्कि समाज को भी सशक्तिकरण का एहसास दे रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि कॉमन सर्विस सेंटर जो महिलाएं चला रही हैं VLE, उनका एक बहुत बड़ा आयोजन आज किया गया है। डिजिटल क्रांति में इस देश की नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है, और नारी शक्ति का सदुपयोग कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से हो, ये डिजिटल इंडिया को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत ही सार्थक कदम है। क्या है? राजिंदर चौधरी। उम्र क्या है? 32। घर? बिलोडी। मेरा शादी 2012 में हुआ, तो मैं यहाँ पे आई तो मेरा पढ़ाई छूट गया, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए अपना। तो मेरा ससुर जी बोले कि तुम पढ़ी लिखी हो तो कुछ काम करो, कुछ घर का इनकम भी आ जाएगा। पता लगा कि डिजिटल इंडिया सशक्ता अभियान के द्वारा कंप्यूटर फ्री पढ़ाई हो रहा है, तो मेरा नाम वहाँ लिखवा दिए। जब मैं ये कंप्यूटर का ये जो सुनी मैं सरकार का ये जो खुला, तो मैंने नाम लिखवाया पहले, उसके बाद में मैं पढ़ी, उसके बाद मुझे जब आने लगा अच्छा लगा तो फिर मैं सोचा कि चलो आगे लोगों को भी बताऊं। मैं पढ़ाई के साथ साथ मैं अपना काम कर रही हूं, अभी मैं आधार कार्ड बना रही हूं। गांव वालों को गांव की बहू का ये काम भा रहा है। CSC जो कंपनी जो बन के आई है हमारे 18 पंचायत में, वह हमारे गांव घर की बहू लगती है। महादलित लोग बहुत सारे फायदा उठा रहे हैं। स्नेहलता कभी बांसूर की 40,000 की आबादी में महज एक और चेहरा थी। जो मेरे पति थे वो बेरोजगार थे, मेरे ससुर हैं वो बाहर कैंटीन में काम करते थे, और जो मेरे देवर हैं वो भी मतलब बेरोजगार थे। आज मेरा पूरा परिवार CSC में काम कर रहा है। स्नेहलता के कॉमन सर्विस सेंटर में दी जाने वाली टेली मेडिसिन सेवा गांव वालों की सेहत से जुड़े मामलों के लिए पहले पड़ाव की तरह है। लोग दूसरी तरह की सेवाओं का भी लाभ ले रहे हैं। यह है दार्जिलिंग जिले का पहला कॉमन सर्विस सेंटर। कविता गुहारोए एक समय पत्रकारिता करती थी, आज टेलीमेडिसिन कैंप चलाती हैं, लोगों के पासपोर्ट, राशन कार्ड, बीमा वगैरह जैसी समस्याओं का निपटारा करती हैं। साथ ही 4 ऐसे सेवा केंद्र भी चलाती हैं। यही नहीं, लाखों करोड़ों में खेलने वाले ठेकेदारों को ई टेंडरिंग और ई ऑक्शन में मदद करने के लिए सरकार ने चुना है इन्हें। हम लोग के पास उनको डिजिटल सिग्नेचर दे देते हैं, उनको जो रेट है दे देते हैं। बहुत सारे टेंडर में जैसे कि है अर्नेस्ट मनी ऑनलाइन हो गया, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा से अर्नेस्ट मनी जमा करना पड़ेगा टेंडर का, और टेंडर फी तो वो लोग को भी चलाने नहीं देता। हम लोग बोलते अपने हाथ से पिन डालो, वो लोग वो नहीं कर पाते, इतना फेथ का साथ हम लोग को दे देते हैं। इन ऑल रिस्पेक्ट इकोनॉमिकली ऑल्सो नाम बेनिफिटेड, पहले का फिक्स सैलरी था, अभी तो इनकम स्काई इज द लिमिट, अनलिमिटेड इनकम कर सकती हूँ। नमस्कार। कुछ ही क्षणों में माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ इस सभा मंडप में पधारेंगे। आज के इस अवसर मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स व इंफॉर्मेशन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आप सभी का IIT गांधीनगर के इस सुंदर परिसर का राष्ट्र को लोकार्पण तथा डिजिटल साक्षरता अभिनंदन समारोह में हम स्वागत करते हैं। मानव महिमा गान सुनेंगे जो आपके समक्ष करीबन 2 घंटे से संगीत प्रस्तुत कर रहे हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी के उपासना कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के छात्र
माननीय प्रधानमंत्री जी का आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। मानव महिमा गान। मंच पर स्वागत करते हैं गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री मानव संसाधन विकास भारत सरकार श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, माननीय केंद्रीय मंत्री इलेक्ट्रॉनिक व आईटी भारत सरकार श्री रविशंकर जी प्रसाद, माननीय उप मुख्यमंत्री गुजरात राज्य श्री नितिन भाई पटेल, माननीय शिक्षा मंत्री श्री गुजरात श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल, साथ ही मंच पर उपस्थित हैं निदेशक आईआईटी गांधीनगर श्री सुधीर जैन, आज 7 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर 2017 और 2001 में 7 अक्टूबर के ही दिन गांधीनगर में ही माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी ने गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किए थे। आइए उस घटना को याद करके जोरदार तालियों से इस समग्र घटना का अभिवादन करें, स्वागत करें। आज सभा मंडप में उपस्थित भारत सरकार व गुजरात सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, गुजरात की प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान तहत गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र से विशाल संख्या में पधारे विद्यार्थीगण, वेबकास्टिंग व 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स द्वारा इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख रहे सभी दर्शकों व मीडिया के प्रतिनिधियों का भावपूर्ण स्वागत करते हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता की। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ऊष्मापूर्ण स्वागत करते हैं। आईआईटी गांधीनगर के राष्ट्र को लोकार्पण तथा डिजिटल साक्षरता अभिनंदन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी का पुस्तक से स्वागत करेंगे। राज्य सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल, माननीय शिक्षा मंत्री श्री गुजरात श्री भूपेंद्र सिंह जी चुड़ासमा, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल, गुजरात सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री श्री तथा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी। भारतीय जनता पार्टी गांधीनगर का प्रतिनिधित्व करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करते हैं उपाध्यक्ष गुजरात विधानसभा श्री शंभूजी ठाकुर, चेयरमैन गुड़ा श्री आशीष दवे, विधायक श्री अशोक पटेल,
श्री नैलेश शाह, श्री महेंद्र पटेल, बहुत बहुत स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी का आज गुजरात में, गांधीनगर में, और विशेष रूप से आईआईटी की इस सारस्वत भूमि पर। स्थानिक संस्थाओं की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे गांधीनगर के महापौर श्री प्रवीण भाई पटेल, धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपका। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण का स्वागत करेंगे आईआईटी गांधीनगर के विद्यार्थीगण। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा किताबों को, खादी को अपने जीवन में विशेष प्राधान्य व महत्व दिया है। बापू के जीवन आदर्श खादी से स्वागत की बात भी कही है माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात के एक संबोधन में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के अपने कार्यकाल दौरान वांचे गुजरात अभियान की सृजनात्मक शुरुआत भी की थी। आज जो किताब अर्पण की गई है गणमान्य अतिथिगण को, ये कालिदास के मेघदूतम का अंग्रेजी अनुवाद है जो आईआईटी के ही गांधीनगर के ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस के प्रोफेसर श्री श्रीनिवास रेड्डी ने लिखी है। धन्यवाद अतिथिगण। प्रोफेसर सुधीर जैन, निर्देशक आईआईटी गांधीनगर, जिनके अनुसार अभियांत्रिकी छात्र सामाजिक समस्याएं सुलझाने के लिए सशक्त होने चाहिए, एक जाने माने भूकंप इंजीनियरिंग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुधीर जैन को आमंत्रित करते हैं आपके स्वागत प्रवचन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी, मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री विकास जावड़ेकर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, गुजरात के उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल, शिक्षा मंत्री गुजरात श्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा, भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल, केंद्र एवं गुजरात सरकार के अधिकारीगण, उपस्थित अतिथिगण, आईआईटी गांधीनगर के मेरे सभी साथी और विद्यार्थीगण, भाइयों और बहनों, मैं आज सब मैं आप सबका अपने और अपनी संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे बताया गया था काफ़ी समय पहले मोदी जी की एक विशेष इच्छा थी कि गुजरात में एक आईआईटी हो। उनके ही प्रयासों का फल था कि 2008 में जब 8 नई आईआईटी की घोषणा हुई तो उसमें गांधीनगर का भी नाम था। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव का अवसर है कि देश के प्रधानमंत्री के बतौर आज आपके कर कमलों द्वारा हमारे कैंपस को, देश को समर्पित किया गया है। आज से 6 साल पहले 14 अक्टूबर 2011 को जब आप राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर हमारे संस्थान आए थे, तब आपने ये जमीन आईआईटी को देने की घोषणा की थी। आपने आशा प्रकट की थी कि हम यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास कैंपस बनाएंगे। मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि आपके विश्वास, आपके आशीर्वाद तथा केंद्र और राज्य सरकार के अथाह सहयोग से हम इस कैंपस को एक रिकॉर्ड समय में विकसित कर पाए हैं। 2002 में हमको ज़मीन हैंडओवर की गई, 2013 में हमने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए और 2015 में हमने यहाँ पर कक्षाएं शुरू कर दी। मुझे याद है 7 साल पहले जब एक बार मैंने श्री मोदी जी से कहा था कि आईआईटी गांधीनगर में उत्कृष्ट फैकल्टी, तो उनका जवाब था, सुधीर जी कैंपस इतना सुंदर बनाइए कि बाहर से लोग इसे देखने आए, अच्छी फैकल्टी खुद आ जाएगी। प्रधानमंत्री जी, इस गुरु मंत्र के लिए ये संस्थान आपके लिए हमेशा आभारी रहेगा। हमने न केवल एक अच्छा कैंपस विकसित किया बल्कि एक बेहतरीन फैकल्टी को भी आकर्षित किया है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी इनोवेशन किए, जिनमें से कुछ इनोवेशंस
कुछ अन्य संस्थानों ने भी अपनाए हैं और बहुत ही कम समय में हमारे यहाँ से निकले विद्यार्थियों को सफलता मिलती दिखाई देने लगी है। लेकिन हमारी दिल्ली अभी दूर है। हमारा सपना है कि IIT गांधीनगर एक ऐसा उच्च शिक्षण संस्थान बने जिस पर देश को सदियों तक नाज हो, जैसे कि आज हम तक्षशिला और नालंदा पर गर्व करते हैं। एक ऐसा संस्थान जहाँ के विद्यार्थी ज़मीनी हकीकत से जुड़े हों, जहाँ की रिसर्च देश और देशवासियों की समस्याओं को भारतीय परिप्रेक्ष्य में हल करे, जहाँ के विद्यार्थी तकनीकी से तो अव्वल हों ही लेकिन उससे भी कहीं महत्वपूर्ण भारत के एक उत्कृष्ट नागरिक बने। प्रधानमंत्री जी, आपकी उपस्थिति से IIT गांधीनगर परिवार का मनोबल बढ़ा है और अपने सपने को साकार करने के लिए हम खुद को संपूर्ण रूप से पुनः समर्पित करते हैं। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे विद्यार्थी भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखेंगे। एक बार आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। जय हिंद। गुजरात राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल प्रगतिशील गुजरात की गति प्रगति उन्नति में अपना विशिष्ट योगदान दे रहे हैं। आपको आमंत्रित करते हैं आपके संबोधन के लिए। भारत माता की वंदे। गुजरात ना आधुनिकरण माटे अने न्यू इंडिया बनावानी माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई नी जे पहल छे, ये पहल ने जेना द्वारा सौथी वधु वेग वधारो छे एवा टेक्नोलॉजी साथे जोड़ायेला नवी पेढ़ीना आप सौ विद्यार्थी भाई बहनों ने विश्व कक्षानु ज्ञान प्राप्त थाय अने दुनियानी साथे अपनो भारत देश टेक्नोलॉजी में पण अग्रेसर रहीने आगे कदम करी सके ए माटे माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जारे गुजरातना मुख्यमंत्री श्री हता त्यारे हमने दीर्घ दृष्टि राखीने आ जग्या गांधीनगरनी नजीकनी गिफ्ट सीटीनी नजीकनी एरपोर्टनी नजीकनी अमदावाद शहरनी नजीकनी एवी पर्यावरणथी शुद्ध स्वच्छ अने शांत जग्या IIT मागणी थी माननीय मोदी साहेबे ए वखते फाळवी आपी अने एनु परिणाम आजे आपणे जोईए छे के आ विशाळ कैम्पस जे ऊभुं थयुं छे એને લોકાર્પણ કરવા માટે આપણી વચ્ચે પધારેલા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી, ભારત ગુજરાત સરકારના મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, માનનીય શ્રી રવિશંકર પ્રસાદજી, કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રી માનનીય શ્રી પ્રકાશ જાવડેકરજી, કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રી માનનીય શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહજી ચુડાસમા, ગુજરાત રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી શ્રી માનનીય આનંદીબેન પટેલ, પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી મંચ ઉપર બિરાજમાન આ સંસ્થાનના કેમ્પસના વડા શ્રી જૈન સાહેબ અને હજારોની સંખ્યામાં ઉપસ્થિત સૌ વાલા વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો, પ્રોફેસર ભાઈ બહેનો, પત્રકાર મિત્રો, આજે મારે વિશેષ કોઈ વાત નથી કરવી, પણ આપણું ગુજરાત અને આપણા ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ અને અહીંયા જેવો જેવો અભ્યાસ કરે છે એ તમામ વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો એ આવતીકાલનું ભારતનું ભવિષ્ય છે અને અત્યારે જે પ્રમાણે મોદી સાહેબે ન્યૂ ઇન્ડિયાની પહેલ કરીને દુનિયા સાથે કદમ મિલાવવા, ભારતના અર્થતંત્રને વધુ સમૃદ્ધ કરવા, ભારતની દરેક કામગીરીને ટેકનોલોજીથી જોડવા અને ખાસ કરીને આપણા યુવાન યુવતી ભાઈ બહેનો વિદ્યાર્થીઓને વિશ્વકક્ષાનું જ્ઞાન ખૂબ ઓછા ખર્ચે નજીકમાં નજીક સારામાં સારી રીતે સરળતાથી પ્રાપ્ત થાય એ માટે આ IIT જે લોકાર્પણ કર્યું છે, મને વિશ્વાસ છે કે ગુજરાતનું ભવિષ્ય આના કારણે ખૂબ વધુ
ઉજ્જવળ બનશે. ગુજરાતમાં જે રીતે આઈઆઈએમ છે, ગિફ્ટ દ્વારા વિશ્વકક્ષાનું અર્થશાસ્ત્ર આપણે અહીંયા ચલાવીએ છીએ, દીનદયાળ ઉપાધ્યાય પેટ્રોલિયમ યુનિવર્સિટી છે, વિશ્વકક્ષાની લો યુનિવર્સિટી છે, સારામાં સારી મોટામાં મોટી ફોરેન્સિક યુનિવર્સિટી છે, એવી જ રીતે જે રીતે અહીંયા આપણે કલ્પના કરીએ છીએ એ જ પ્રમાણે આવનારા સમયમાં તમે હજારો વિદ્યાર્થીઓ જેઓ અહીંયા અભ્યાસ કરી અને ગુજરાતનું, તમારા પરિવારનું અને દેશનું ગૌરવ વધારો અને તમે ખૂબ સમૃદ્ધ થઈ દેશની વિકાસ યાત્રામાં મોદી સાહેબનું જે વિશ્વ પ્રસિદ્ધ સૂત્ર છે, સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ, એને સાર્થક બનાવો એવી વિનંતી સાથે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આભાર માનનીય ઉપમુખ્યમંત્રી શ્રી આપકા. આજ માનનીય પ્રધાનમંત્રી જી કે વરદ હસ્તો આઈઆઈટી ગાંધીનગર કે ઇસ સુંદર પરિસર કી પટ્ટિકા કા અનાવરણ દ્વારા લોકાર્પણ હુઆ હૈ રાષ્ટ્ર કો. તબ આઈએ દેખતે હૈ આઈઆઈટી ગાંધીનગર કા પરિચય દેતી એક ફિલ્મ. Where the mind is without fear and head held high, where knowledge is free, where tireless striving stretches its arms towards perfection, let my country awake. Rabindranath Tagore's vision of an ideal society for our future generations has come to life at the Indian Institute of Technology, Gandhinagar. The institute has rapidly evolved from a provisional location in Ahmedabad in 2008 to land allocation in Gandhinagar in 2012. Commencement of construction in 2013 and development of a world-class campus by 2015. A number of architects and consultants worked closely with institute faculty and students to design the campus. CPWD engineers and contractors worked hard to get the campus commissioned in a record time of about 2 years. Some remarkable features of the campus development include confined masonry construction, zero discharge campus, water efficiency, energy efficiency, seamless and interactive spaces, and emphasis on construction workers' welfare. The institute's architectural excellence is recognized by a number of prestigious awards. Beyond the infrastructure, the essence of the institute is defined by its culture, interdisciplinary and collaborative spirit, innovative curricula and project-based learning, societal connect, international faculty, international collaborations and philanthropic contributions by well-wishers of the institute. We are committed to producing graduates and technologies to address societal needs. Our saga of endeavors and achievements has just begun. IIT Gandhinagar, where the mind is without fear. आप सभी को लोकार्पण की बहुत बहुत बधाई. माननीय केंद्रीय मंत्री मानव संसाधन विकास भारत सरकार श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के सृजनात्मक नेतृत्व में अच्छी शिक्षा, सबको शिक्षा, समर्थ शिक्षा और जिम्मेवारी पूर्वक की शिक्षा के चार मंत्रों पर भारत के युवाओं के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का वहन कर रहे हैं. आपको आमंत्रित करते हैं आपके संबोधन के लिए. भारत के लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, गुजरात के लोक लाडले मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल, हमारे साथी और शिक्षा मंत्री यहाँ के भूपेंद्र भाई चुड़ासा, आनंदीबेन, सुधीर भाई जैन और सभी छात्र और सभी जो लोग यहाँ आईआईटी के उद्घाटन के लिए आए, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, बधाई देता हूँ. क्योंकि एक वाइब्रंट कैंपस है जो आईआईटी की, अभी हमने फिल्म देखी, 2 साल में पूरा हुआ. सरकारी स्कीम ऐसी होती है कि 500 करोड़ का खर्चा है तो 600 करोड़ होता है,
लेकिन यहाँ हमने 570 करोड़ दिए और बेस्ट कैंपस 500 करोड़ रुपए में बना, 70 करोड़ रुपए बचाए। सुधीर भाई को बहुत बहुत बधाई। दिस इज यंग आईआईटी और इस आईआईटी में आज मैंने कुछ प्राध्यापकों से, कुछ छात्रों से संवाद भी किया तो मुझे यहाँ की वाइब्रेंस ही दिखाई दिया। ये केवल वाइब्रेंस कैंपस नहीं है, जो लिखा था कि वेयर द माइंड इज फ्री ऑफ फियर, कोई डर नहीं, सच्चाई के लिए काम करने वाले, खोज करने वाले, नई नई चीजें, ऐसे यंत्र बनाए स्टूडेंट्स ने, मैं देखकर हैरान रह गया। तो ये बहुत ही एक कारगर आईआईटी बना है, यंग है लेकिन वन ऑफ द बेस्ट है, ये मैं कहना चाहता हूं। और ये स्मार्ट कैंपस है, साबरमती के यहां नजदीक है और यहां बिजली की बचत है, पर्यावरण का ख्याल है, यहां सारे वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर है और इसको अभी इतने अवार्ड्स मिले हैं। आगे भी ये कल्चर बन के रह जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कहना है जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, तो उसके लिए ये कैंपस तैयार है। दिस इज स्मार्ट कैंपस। दूसरा है कि यहाँ विदेश का, विदेश में पढ़ाई किए हुए, विदेश की बड़ी बड़ी ऑफर होते हुए भी देश में पढ़ाने के लिए आए ऐसे यंग फैकल्टीज है, सभी उम्र के फैकल्टीज है, मुझे उनका बहुत स्वागत करना है। मैं अभी प्रधानमंत्री जी को कह रहा था कि छात्रों के साथ कुछ अध्यापक भी खड़े हैं, वो छात्रों जैसे ही दिखते हैं क्योंकि उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन यही तो कैंपस का जिंदगी होती है। और ये शोध का संस्थान है। द कंट्री कैन बिकम प्रॉस्परस ओनली व्हेन इट इनोवेट्स। इनोवेशन ही ताकत है। जो देश इनोवेशन करता है वो समृद्धि के रास्ते चलता है, जो देश इनोवेशन नहीं करता है वो नीचे जाता है। और भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा और इसलिए उच्च शिक्षा का हमारा ध्येय है अनुसंधान और शोध। और यहाँ भी एक रिसर्च पार्क तैयार हुआ है और रिसर्च पार्क तैयार हो रहा है और बाकी भी यहाँ शोध का एक कारगर संस्कृति बन गई है। क्योंकि दुनिया में जैसे उच्च शिक्षा ही एम्पावरमेंट है, एक खेतीहर मजदूर की लड़की, एक आशा वर्कर की लड़की उसी जिले में आईएएस अधिकारी बन सकती है तो वो केवल और केवल शिक्षा के कारण बन सकती है। और इसलिए जैसे प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, हमने भी शिक्षा विभाग में नारा दिया सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, ये देकर रहेंगे और उसके लिए काम करेंगे। और ये कैंपस में एक उन्नत भारत का कार्यक्रम, आसपास के गांव में जाकर वहां भी छात्र काम कर रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, क्योंकि देश भर के सभी प्रदेशों के छात्र यहां है तो ये कैंपस भी एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक प्रतीक बन गया है। और आज रविशंकर जी आए हैं जिसका लोकार्पण अभी होगा, यानी एक कार्यक्रम डिजिटल का, वहां भी मैं कहना चाहता हूं जब प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की, कैंपेन की, तो हमने एक छात्रों को केवल अपील किया कि सारे कॉलेज के छात्र वॉलेंटरीली इसके वॉलेंटियर बन जाए, सैनिक बन जाए, डिजिटल सैनिक बन जाए। और मुझे खुशी है एक अपील में 2500 कॉलेज के 4.5 लाख छात्र ये इकट्ठा हुए और उन्होंने 3 महीने घर घर जाकर लोगों को डिजिटल प्रशिक्षण दिया। ये एक अद्भुत काम देश भर में किया। और इस बार हम संकल्प करते हैं कि इस वर्ष में हम इन प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे।
कम से कम 10-15 हज़ार कॉलेज के 15 लाख छात्र ये उस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और 3 करोड़ परिवारों को डिजिटल साक्षर बनाएंगे। यह हम करेंगे। जो आईटी विभाग के द्वारा जो काम हो रहा है वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह छात्रों की ताकत है जो घर घर जाकर बताएगी। बेटा बाप को सिखाएगा, अपने दादाजी को सिखाएगा और सबको डिजिटल साक्षर करेंगे। हम देश को भी साक्षर करेंगे और देश को डिजिटल साक्षर भी बनाएंगे, यही हमारा संकल्प है। फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और आपको बधाई। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय आपका। माननीय केंद्रीय मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत सरकार श्री रविशंकर जी प्रसाद, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रबुद्ध नेतृत्व में देश में डिजिटल क्रांति के आगमन के लिए संपूर्णतया कर्तव्यबद्ध होकर सरकार के प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल इंडिया का सफल कार्यान्वयन करा रहे हैं। आपको आमंत्रित करते हैं आपके संबोधन के लिए। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, श्रद्धेय रूपाणी जी, मुख्यमंत्री मित्रवर प्रकाश जावड़ेकर जी, उप मुख्यमंत्री पटेल जी, माननीय शिक्षा मंत्री भूपेंद्र भाई, श्रद्धामना पूर्व मुख्यमंत्री जी, सुधीर जी डायरेक्टर आईआईटी, नौजवान साथियों, सीएससी के साथियों, पदाधिकारियों, शिक्षकों, प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में देश कैसा बदल रहा है इसका एक उदाहरण आप यही देखिए। एक तरफ एक हाई एंड आईआईटी गांधीनगर का लोकार्पण हो रहा है और साथ साथ 6 करोड़ देश के ग्रामीण परिवारों को डिजिटली साक्षर करने का कार्यक्रम भी शुरू हो रहा है। डिजिटल इंडिया की कल्पना प्रधानमंत्री जी ने की थी, ये बदलाव का कार्यक्रम है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इसके कोर में क्या है? टेक्नोलॉजी। आम हिंदुस्तानी को टेक्नोलॉजी इंपावर करना ताकि हिंदुस्तान मजबूत हो और आम हिंदुस्तानी मजबूत हो। मेरे नौजवान साथियों, माय फ्रेंड्स फ्रॉम द आईआईटी स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज द डिजिटल प्रोफाइल ऑफ इंडिया। 130 करोड़ के हिंदुस्तान में 119 या 20 करोड़ मोबाइल फोन है, 50 करोड़ स्मार्टफोन है, 118 करोड़ आधार है, 50 करोड़ इंटरनेट है, मोबाइल और लैंडलाइन। हमने क्या कार्यक्रम शुरू किया? गरीबों के 30 करोड़ बैंक अकाउंट खोले, जनधन अकाउंट, उनको जोड़ा आधार से, मोबाइल से, बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया और सारे उनके गैस की सब्सिडी, राशन की सब्सिडी, मनरेगा की सब पेमेंट सीधा उनके बैंक अकाउंट में भेजना शुरू किया। आपको जानकर खुशी होगी, पिछले 3 साल में हमने 58,000 करोड़ रुपया बचाया है जो बिचौलिए खा जाया करते थे, फिक्टिशियस लोग खा जाया करते थे। याद करिए, एक पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने कहा था मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, जमीन पर 15 पैसा पहुंचता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में दिल्ली से वो 1,000 रुपया भेजते हैं और गरीब के अकाउंट में 1,000 पहुंचता है। यही तो है डिजिटल इंडिया, ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जहां मैं आईआईटी के नौजवान साथियों छात्रों का अभिनंदन करूंगा, वही हमारे कॉमन सर्विस सेंटर के जो मित्र आए हैं आपका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपको बताना चाहता हूं, जिस समय आपकी सरकार आई थी देश में 80,000 कॉमन सर्विस सेंटर थे, आज 2,70,000 हैं भारत के कोने कोने में, जिसमें 1,70,000 सिर्फ ग्राम पंचायत में हैं
और आज मैं घोषणा करना चाहता हूं इस साल के अंत तक देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायत में हर में कॉमन सर्विस सेंटर हो जाएंगे। ये बच्चे आधार कार्ड बनाते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, रेलवे की टिकट करते हैं, लैंड रिकॉर्ड देते हैं, डिजिटल लिटरेसी का भी काम करते हैं। पूर्व में हमने इनको काम दिया था डिजिटल पेमेंट के लिए, जनता को जागरूक करने, इन्होंने 2 करोड़ लोगों को जागरूक किया देश भर के लिए, ये काम करते हैं। आज आपके सामने कुछ लोगों को प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद देंगे, इसमें दलित बच्चियां हैं जो काम कर रही हैं, इसमें एक से एक नौजवान हैं, गरीब हैं जो अपने गांव में बैठकर हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, उत्तर पूर्व से लेकर पश्चिम तक डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं। और मेरे बच्चों, तुम एक बात ध्यान रखना, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम डिजिटल इंडिया के लिए मजबूती से खड़े हो जाओ। आज डिजिटल पहचान क्या है मित्रों? प्रधानमंत्री के निर्देश पर हमने देश के 144 अस्पताल को ई हॉस्पिटल बना दिया। आज लगभग 65 लाख लोग डायरेक्टली अपॉइंटमेंट लेते हैं डिजिटली। देश के 400 मंडियों को हमने जोड़ दिया किसानों के साथ ई नैम में। आज 48 लाख किसान अपने फसल बेचते हैं डिजिटली। आज हमने ई जेम बनाया देश के लिए सरकारी खरीदारी के लिए। आज हमने और क्या किया, ई स्कॉलरशिप, लगभग 1.5 करोड़ बच्चे आज ई स्कॉलरशिप प्लेटफॉर्म पर हैं, 44 लाख को मिल चुका है। आज देश को हम डिजिटली मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, ईमानदार, प्रभावी, प्रामाणिक। और प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया की कल्पना है एक गरीब आदमी के हाथ में मोबाइल फोन होना चाहिए। आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब डिजिटल इंडिया वन की दिशा की शुरुआत रांची में हुई थी 2014 में, प्रधानमंत्री ने हमें एक निर्देश दिया था, मैं चाहता हूं आम हिंदुस्तानी के हाथ में उसके मोबाइल में सरकार होनी चाहिए, सरकार दिल्ली में नहीं होनी चाहिए। और आज डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के माध्यम से हमारे कॉमन सर्विस सेंटर के बच्चे वो काम कर रहे हैं गांव-गांव में। प्रकाश जी, अच्छी बात है, आपके विद्यार्थी भी जुट रहे हैं, मिलकर देश को बनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे बच्चे कॉमन सर्विस सेंटर के, प्रधानमंत्री जी, टेली लॉ के अंतर्गत बिहार, यूपी, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में गरीब लोगों को लीगल एडवाइस भी उपस्थित करा रहे हैं, नालसा के साथ, वकीलों के साथ मिलकर। वो टेली मेडिसिन का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं आप नए नए काम करिए, देश को आगे बढ़ाइए। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री जी का सपना है डिजिटल साक्षरता का, ग्रामीण के अंतर्गत 6 करोड़ परिवारों को हमें डिजिटली लिटरेट करना है, तो आप उन्हें पढ़ाइए, उन्हें सिखाइए, उसका कोर्स आपको मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट होगी। और मैं चाहता हूं ये 6 करोड़ डिजिटल सेना की एक बड़ी उपलब्धि हो, जो डिजिटल लिटरेट हो। प्रधानमंत्री, मुझे आपसे एक और विनम्र आपको जानकारी देनी है। मुझे याद है मैं देश के इलेक्ट्रॉनिक विभाग का भी मंत्री हूं, आपने मुझसे 2014 में एक सवाल किया था कि इतनी बड़ी संख्या में मोबाइल फोन हैं, देश में बनते कितने हैं। मैंने मालूम किया, जब आपकी सरकार आई थी देश में सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री बनाने वाली थी, सिर्फ 2। आज 3 साल बाद प्रधानमंत्री जी बड़ी विनम्रता से मुझे आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आपकी अगुवाई में पिछले 3 साल में भारत में 104 मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री आ गई है, 104, जिसमें 52 मोबाइल फैक्ट्री बनाती है और 52 चार्जर बैटरी इक्विपमेंट्स बनाती है। इंडिया माय फ्रेंड्स इज इंक्रीजिंगली इमर्जिंग एज ए बिग हब ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। 17 करोड़ मोबाइल फोन बनते हैं जो पहले 5-6 करोड़ बनते थे, और हमारा सपना है कि 2020 तक हम भारत में 50 करोड़ मोबाइल फोन बनाएंगे, ये हमारी कल्पना है, ताकि आम हिंदुस्तानी के हाथ में मोबाइल और जो भारत में बने वो विदेशों में भी जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, डिजिटल लिटरेसी एंड हाई एंड टेक्नोलॉजी इन IIT, यही तो है डिजिटल इंडिया। आओ मिलकर उस सपने को साकार करें और भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद
माननीय मंत्री महोदय आपका, गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी मॉडल स्टेट गुजरात को फास्ट ट्रैक पर लाकर सुशासन के चार आधार स्तंभों को लेकर एक पारदर्शक, निर्णायक, संवेदनशील व प्रगतिशील सरकार द्वारा एक नए गुजरात की रचना के लिए अथक प्रयत्न कर रहे हैं। प्रगतिशील गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी को आमंत्रित करते हैं आपके संबोधन के लिए। मंच पर उपस्थित 125 करोड़ भारतीयों ना हृदय सम्राट देशना वडाप्रधान गुजरातना पनोता पुत्र आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी भारत सरकारना मंत्री श्री रवि प्रसाद जी श्री प्रकाश जावड़ेकर जी गुजरातना नायब मुख्यमंत्री मान्य नितिन भाई पूर्व मुख्यमंत्री मान्य आनंदीबेन पटेल आईआईटीना श्री सुधीर जैन शिक्षण मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी उपस्थित भाइयों ने बहनों सर्वप्रथम आईआईटी गांधीनगर आजे संपूर्ण कैंपस राष्ट्र ने लोकार्पण थई रह्यु छे। गुजरात की जनता वती खूब शुभेच्छा पाठवु छू। मने बराबर याद छे वक्ते हूँ राज्यसभा में सभ्य हतो अने आईआईटी गुजरात की घणा वक्त की मांग थी कि गुजरात में आईआईटी थवी जोईए, परंतु अगाउ सरकार ए अंगे गंभीरता लेती नहोती। ए वक्ते मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई हता। नरेंद्र भाई इनिशिएटिव लईने गांधीनगर आईआईटी बने, राज्य सरकार तरफ थी बधी मदद मळे अने एवुं कैम्पस बने के जे रीते आईआईएम बिजनेस लीडर अमदावाद में तैयार करे, आईआईटी गांधीनगर टेक्नोक्रेट तैयार करे अने एवी ज रीते गुजरात की अलग अलग संस्थाओं वर्ल्ड क्लास फेसिलिटी साथे विश्व में गुजरात नु नाम रोशन थाय, देशभरना युवानों ए आधुनिक में आधुनिक शिक्षण प्राप्त करे अने जेना द्वारा भविष्य में आ युवा शक्ति नो उपयोग करीने भारत नो भावी ने वधु उज्ज्वल बनावा माटे आपड़ा वडाप्रधान नरेंद्र भाई नी एक स्वप्न थी गुजरात में आ बधा इनिशिएटिव थया था। 2008 थी 2013 में आ आईआईटी कैम्पस एनु काम शुरू थयुं अने आजे आ भव्य वर्ल्ड क्लास आईआईटी कैम्पस आजे गांधीनगर में नरेंद्र भाई करेलू एमने स्वप्न सेवेलू एमना ज हाथों थी आजे राष्ट्र ने लोकार्पण थई रह्युं छे। नरेंद्र भाई जे इनिशिएटिव लीधा गिफ्ट सिटी ए पण इंटरनेशनल एक मोटू कैम्पस उभू थयुं छे, ए पण आ साबरमती नदीना किनारे छे। रिवर फ्रंट ए पण भारत में एक मोटू रिवर फ्रंट ए पण नरेंद्र भाई ना स्वप्न थी एमना प्रयत्न थी आजे आपणे ए रिवर फ्रंट ने जोईए छीए। आ प्रकारनी मुख्यमंत्री हता त्यारथी नरेंद्र भाई जे इनिशिएटिव लीधा था ए तमाम इनिशिएटिव आजे साकार थई रह्या छे अने आ आईआईटी गांधीनगर देशनी बधी आईआईटी में एक श्रेष्ठ आईआईटी बनी रहेशे तेवी मने आशा छे। साथे साथे डिजिटल साक्षरता अभियान ए पण आ गुजरातनी धरती उपरथी आजे शुरुआत थई रही छे। गामडाओथी मांडीने
દેશમાં તમામ ખૂણાઓમાં લોકો ડિજિટલી એ પોતે તૈયાર થાય, સાક્ષર બને અને વૃદ્ધથી માંડીને બાળક એ ડિજિટલી પોતાની જાતને જોડીને તમામ વ્યવહારો એ ડિજિટલી બનાવી અને નરેન્દ્રભાઈની જે કલ્પના છે મેક ઇન ઇન્ડિયા, ડિજિટલ ઇન્ડિયા, સ્કિલ ઇન્ડિયા, આ પ્રકારે આપણા દેશને આગળ વધારવા માટે આજે જે પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે એ હું માનું છું કે આવનારા દિવસોમાં ભારત માટે એક બહુ મોટું અભિયાન આજથી શરૂઆત થઈ રહી છે. આઈઆઈટી અને ડિજિટલી સાક્ષરતા અભિયાન એ બંનેને આપણે સૌ ઉપાડીને એ સંકલ્પ બનાવીને ભારતની સિદ્ધિ એ પ્રાપ્ત થાય એ માટે આપણે સૌ કટિબદ્ધ બનીએ. ગુજરાતના આંગણે આ આઈઆઈટી અને ડિજિટલ સાક્ષરતાના કાર્યક્રમમાં પ્રધાનમંત્રી ખુદ પોતે ઉપસ્થિત રહ્યા છે. ગુજરાતની જનતા વતી એમનો આભાર માનું છું અને ગુજરાત એ એમને જે વિકાસની જે યાત્રા, ગુજરાતને જે માર્ગદર્શન આપ્યું છે, વિઝન આપ્યું છે, ઇનિશિયેટિવ લીધા છે, એ તમામ ગુજરાત આગળ વધારી રહ્યું છે. ભવિષ્યમાં પણ એ જ દિશામાં એમના માર્ગદર્શનથી ગુજરાત વિકાસની યાત્રાને આગળ વધારશે તેવી ખાતરી સાથે મારી વાત પૂરી કરું છું. ધન્યવાદ. જય જય ગરવી ગુજરાત. ભારત માતા કી જય. ધન્યવાદ માનનીય મુખ્યમંત્રી મહોદય આપકા. માનનીય પ્રધાનમંત્રી જી કે ડિજિટલ ઇન્ડિયા કે વિચાર કા એક એકીકૃત ઘટક હૈ હર ઘર કે સદસ્ય કો ડિજિટલ રૂપ સે સાક્ષર બનાના. દેશ મે કરોડો લોગો કો ડિજિટલી સાક્ષર બનાને કા એક ઉપયુક્ત ઓર અનૂઠા કદમ હૈ પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ સાક્ષરતા અભિયાન પીએમજી દિશા. આઈએ અબ દેખતે હૈ પીએમજી દિશા પર એક ફિલ્મ. યુનિવર્સલ ડિજિટલ સાક્ષરતા કાર્યક્રમ ડિજિટલ ઇન્ડિયા કાર્યક્રમ કે મુખ્ય કેન્દ્રિત ક્ષેત્રો મે સે એક હૈ. અગસ્ત 2015 મે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા શરૂ કિયે ગયે ડિજિટલ ઇન્ડિયા કાર્યક્રમ કા લક્ષ્ય ભારત કો ડિજિટલ રૂપ સે સશક્ત સમાજ બનાને કે સાથ સાથ એક અગ્રણી જ્ઞાન અર્થવ્યવસ્થા મે બદલના હૈ. हम डिजिटल इंडिया के माध्यम से आईटी के धरातल पर यूनिटी का मंत्र को साकार करना चाहते हैं. आज देश तरक्की कर रहा है. मेरा कहना है डिजिटल इंडिया गरीबों के लिए अधिक है ताकि वो विकास की नई संभावनाएं तलाश करें. सरकार ने फरवरी 2017 में प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान विशेषकर देश के ग्रामीण इलाकों में इस नई योजना की शुरुआत की है. पीएमजी दिशा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 6 करोड़ नागरिकों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना है. ये योजना 14 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों, विशेषकर गैर स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं, अंत्योदय परिवारों, वयस्क साक्षरता मिशन के प्रतिभागियों, महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों पर केंद्रित है. तेलंगाना में करीमनगर जिले के कोरुतला गाँव में 58 वर्षीय बीड़ी मजदूर सत्तम्मा देवी ने टैबलेट चलाना और स्काइप पर बात करना सीख लिया है. छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में ग्रामीण उद्यमी कृष्ण कुमार शर्मा ने एक सांकेतिक भाषा के प्रशिक्षक के सहयोग से सुनने और बोलने में असमर्थ छात्रों को प्रशिक्षित किया. भारत ग्रामीण नागरिकों के सशक्तिकरण के एक ऐतिहासिक बदलाव की राह पर है. डिजिटल अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सक्रिय भागीदारी और बदलाव की प्रेरणादायक कहानियां विकास की राह पर बढ़ते हुए सशक्त भारत को प्रदर्शित करती हैं. और अब परियोजना गीत का शुभारंभ भी आज ही के दिन होगा. घर से भाई घर घर से भाई चले कदम दर कदम चले चले कदम दर कदम चले चले कदम दर कदम चले. सब सीख रहे हैं कंप्यूटर सब सीख रहे हैं इंटरनेट सीख रहे हैं इंटरनेट सब सीख रहे हैं इंटरनेट सब सीख रहे मोबाइल हैं
सब सीख रहे मोबाइल है, सब चला रहे हैं टैबलेट। छोटी दुकान या बड़ा बैंक, फसलों का हो या लेन देन, बिल देना हो कुछ लेना हो, बस भीम से होगा लेन देन, बस भीम से होगा लेन देन, बस भीम से होगा लेन देन। हर भारतवासी ई फाइनेंस से जब परिचित हो जाएगा, हर भारतवासी ई फाइनेंस से जब परिचित हो जाएगा, ये 6 करोड़ 36 करोड़ के जनधन में मिल जाएगा। यही दिशा सही दिशा, ये है पीएम जी दिशा, यही दिशा सही दिशा, ये है पीएम जी दिशा, यही दिशा है सही दिशा, ये है पीएम जी दिशा है, यही दिशा है सही दिशा, ये है पीएम जी दिशा। और अब आमंत्रित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आपके वरद हस्तों आज के इस अवसर लैपटॉप्स और प्रमाण पत्रों का प्रतीकात्मक वितरण करें। सबसे पहले आमंत्रित करते हैं सुमन घोटारणे को, जो महाराष्ट्र से आई हैं। ये लाभान्वित हैं इस योजना की। पीएमजी दिशा में अभी तक 22 लाख लोगों को डिजिटली साक्षर किया जा चुका है। आमंत्रित करते हैं सुरेश कुमार मीना को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, लाभान्वित लोगों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। 55 लाख लोग रजिस्टर हो चुके हैं। आज इस मंच से 5 डिजिटल साक्षरों को प्रमाण पत्र और लैपटॉप प्रधानमंत्री जी के वरद हस्तों दिया जाएगा। सुरेश कुमार मीना के बाद आमंत्रित करते हैं पुष्पाबेन परमार को, जो गुजरात से हैं। सुरेश कुमार राजस्थान से आए हैं। आप थी महाराष्ट्र की सुमन घोटारणे, राजस्थान से आए हैं सुरेश कुमार मीना। गुजरात से आई हैं पुष्पाबेन परमार। इस उपक्रम के तहत किसी भी क्षेत्र समुदाय या स्तर के ग्रामीण नागरिक को प्रशिक्षण प्राप्त होता है, जिससे विविध ऑनलाइन सरकारी सेवाएं भी उन्हें उपलब्ध होती हैं। आमंत्रित करते हैं मेमुनाबेन घांची को, जो गुजरात की हैं। मेमुनाबेन घांची, मध्य प्रदेश से राजूबाई, गुजरात से हैं मेमुनाबेन। देश के ग्रामीण जनों को डिजिटली साक्षर होते हुए देखकर आज माननीय प्रधानमंत्री जी प्रसन्नचित दिखाई देते हैं। और अब आमंत्रित करते हैं राजूबाई, जो मध्य प्रदेश से आई हैं। अब आमंत्रित करते हैं ग्रामीण स्तर के 5 उद्योग साहसिकों को कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी के हस्तों लैपटॉप्स स्वीकारें। सबसे पहले आमंत्रित करते हैं अबरार अहमद वोरा को, विरमगाम अहमदाबाद के हैं अबरार अहमद वोरा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से ही अपनी निराली कार्यशैली में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को प्राधान्य दिया है। देश के समृद्ध ही नहीं परंतु गांवों के गरीबों को भी डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की
ये परिवर्तनात्मक पहल का सफल कार्यान्वयन आपके सृजनात्मक नेतृत्व में हुआ। वजय सिंह वाघेला को आमंत्रित करते हैं। वजय सिंह वाघेला ग्रामीण स्तर के ये उद्योग साहसिक हैं, जिन्हें आज माननीय प्रधानमंत्री के वरद हस्तों लैपटॉप इनायत किया जा रहा है। साथ ही मंच पर आमंत्रित करते हैं मध्य प्रदेश के संपत वर्मा। संपत वर्मा नासिक के माया अमोल वाघ, नासिक से आई हैं माया वाघ। आज इस सभा मंडप में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से असंख्य प्रशिक्षित आए हैं, सभी का स्वागत करते हैं। आज अंजलि रे राजस्थान से आई हैं। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपका। फिर एक बार दोहरा रही हूँ, आज 7 अक्टूबर है, वर्ष 2001 की 7 अक्टूबर गुजरात में राजनैतिक इतिहास ने करवट बदली थी, जब माननीय मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किए थे। और तब से लेकर आज तक भारतीयों की आशा, अपेक्षा, विश्वास और सकारात्मकता के प्रतीक ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रधान सेवक बनकर सत्ता को सेवा का माध्यम बनाकर प्रत्येक क्षेत्र में सर्वसमावेशक विकास द्वारा कई नए सीमा चिन्ह प्रस्तावित कर भारत को एक नई वैश्विक पहचान दी है। आइए स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, सुगम्य भारत, कौशल भारत के स्वप्न दृष्टा और न्यू इंडिया के स्वप्न शिल्पी माननीय प्रधानमंत्री जी को जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें आपके संबोधन के लिए। मंच पर विराजमान गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान रविशंकर प्रसाद जी, श्रीमान प्रकाश जावड़ेकर जी, राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन, राज्य सरकार के मंत्री श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी चुड़ासमा, आईआईटी गांधीनगर के निदेशक डॉक्टर सुधीर जैन, और प्यारे नौजवान साथियों, आप सब आईआईटीएन हैं, लेकिन मैं ऐसा इंसान हूं जिसको वो डबल आई नहीं जुड़ा। आप आईआईटीएन हैं, मैं बचपन से सिर्फ टीएन रहा, टीए वाला टीएन, चाय वाला। मैं सोच रहा था कॉलेज के नौजवान बड़े शार्प होते, इतनी देर नहीं लगाते। फिर वही हुआ। आज 7 अक्टूबर है, 2001 में 26 जनवरी को भयंकर भूकंप आया था और उसके बाद कुछ स्थिति ऐसी बनी कि जो मेरे जीवन की कभी राह नहीं थी
और मुझे अचानक 7 अक्टूबर 2001 को इसी गांधीनगर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर के एक जिम्मेवारी का निर्वाह शुरू हुआ। न शासन व्यवस्था जानता था, न कभी विधानसभा देखी थी, लेकिन एक नया दायित्व तो आ गया था। लेकिन मन में तय किया था कि मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा, और आज देश ने मुझे हर बार कोई न कोई नई जिम्मेवारी दी है, और उस नई जिम्मेवारी के तहत आज आपके बीच में हूं। आज यहां हिंदुस्तान के अलग अलग भूभाग से आए हुए ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियां हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, जिनको मैंने सबसे पहले प्रमाण पत्र दिया। मैं उनसे सारी बातें पूछ रहा था और मैं हैरान था, उनको सब पता था, वो गांव में क्या कर रही है, लोगों को कैसे मदद कर रही है, उन्होंने क्या ट्रेनिंग ली है, उस ट्रेनिंग का क्या उपयोग करेगी, सारे सवालों के वो मुझे जवाब दे रही थी। मैं समझता हूं यही रिवॉल्यूशन है। देश और दुनिया शायद पिछले 300 साल में जितना टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन नहीं देखा है, गत 50 साल में अकल्प टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आया है। टेक्नोलॉजी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। टेक्नोलॉजी अपने आप में एक ड्राइविंग फोर्स बन गई है, और ऐसे समय किसी भी देश को अगर प्रगति करनी है तो हिंदुस्तान के सभी स्तर के लोगों को, शहर हो गांव, शिक्षित हो अशिक्षित हो, बुजुर्ग हो नौजवान हो, इस टेक्नोलॉजी के साथ उसको जोड़ना एक उज्जवल भविष्य के लिए अनिवार्य है। आजादी के आंदोलन के समय महात्मा गांधी जिस प्रकार से साक्षरता पर बल दे रहे थे, अगर स्वराज्य के आंदोलन में साक्षरता की एक ताकत थी, तो सुराज्य के आंदोलन में डिजिटल लिटरेसी एक बहुत बड़ी अहम ताकत है। और इसलिए भारत सरकार का प्रयास है कि हिंदुस्तान का हर गांव, वहां की हर पीढ़ी, उनको डिजिटल लिटरेट करने की दिशा में कदम उठाया जाए। आज ये जो कार्यक्रम है, भारत के ग्रामीण भारत में 6 करोड़ परिवार रहते हैं, इन 6 करोड़ परिवारों को, परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटली लिटरेट करने का एक बीड़ा उठाया है। 20 घंटे का कैप्सूल है, उसको पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन एग्जाम ली जाती है, वीडियो कैमरा के सामने बैठ करके उसको एग्जाम देनी होती है, और बाद में उसको सर्टिफाई किया जाता है। और अनुभव यह आया है कि डिजिटल लिटरेसी के लिए आप कितने शिक्षित हैं,
आप किस उम्र के हैं वो गौण बन जाता है, वो मायने नहीं रखता है। एक जमाना था जब कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी चलती थी दुनिया में, लोग कोट करते थे कार्ल मार्क्स की बातों को, हैव्स एंड हैव नॉट्स, वो लोग जिनके पास है और लोग जिनके पास कुछ नहीं है। इस डिवाइड के आधार पर उन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधारा को डेवलप किया था। वो कारगर हुआ कि नहीं हुआ, वो विद्वान लोग उसकी चर्चा करेंगे। सिकुड़ते सिकुड़ते वो विचार अब कहीं नजर नहीं आ रहा है, नाम मात्र के बोर्ड लगे पड़े हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के संबंध में अगर भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हम लोगों को सतर्क रहकर के प्रयास करना होगा कि देश में डिजिटल डिवाइड पैदा न हो। कुछ लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी में माहिर हो और कुछ लोग पूरी तरह अछूत हो, तो आने वाले युग में जिस प्रकार से बदलाव नजर आ रहा है, ये डिजिटल डिवाइड सामाजिक संरचना के लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता है। और इसलिए सामाजिक समरसता के लिए विकास के मूलभूत बिंदुओं को समाहित करते हुए ये डिजिटल डिवाइड से मुक्ति पाने की दिशा में, ये ग्रामीण भारत में डिजिटल लिटरेसी का अभियान चलाया है। हम जानते हैं घर में कितना ही बढ़िया टीवी आ जाए, रिमोट से चलता हो, शुरू में सबको लगता है क्या है, लेकिन घर में जब दो तीन साल का बच्चा अपने आप जरूरत चैनल बदल देता है, वीसीआर चालू कर देता है, बंद कब करना चालू करना सीख लेता है, तो घर के बुजुर्गों को भी लगता है कि हमें भी सीखना पड़ेगा, और फिर वो भी स्विच ऑन स्विच ऑफ करना सीख जाते हैं। क्या किसी ने व्हाट्सएप कैसे फॉरवर्ड करना उसका कोई क्लासरूम देखा है क्या? क्या व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने के लिए हिंदुस्तान में कोई इंस्टीट्यूट है क्या? लेकिन आप देखते हैं कि देश में व्हाट्सएप फॉरवर्ड करना लोगों को आ गया कि नहीं आ गया। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के रास्ते से हम जाते हैं, तो हम आसानी से डिजिटल लिटरेसी की दिशा में देश को ले जा सकते हैं। डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया एक गुड गवर्नेंस की गारंटी है, ट्रांसपेरेंसी की गारंटी है। भारत सरकार ने एक जेम ट्रिटी के द्वारा विकास की एक कल्पना की हुई है, JAM, जे जनधन अकाउंट, ए आधार, एम मोबाइल फोन। इन तीनों को जोड़ करके सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं के अनुसार सरकार उसके मोबाइल फोन पर मौजूद हो, इस प्रकार की हमारी विकास यात्रा के कदम चल रहे हैं। देश में एक बहुत बड़ा अभियान चला है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का, बहुत तेजी से लाखों गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को पहुंचाने की दिशा में प्रयास हुआ है। और आज दूर सुदूर इलाकों में हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन डिजिटल के माध्यम से देना संभव हुआ है। और जैसे जैसे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हिंदुस्तान के हर गांव तक पहुंच जाएगा, उस गांव की शिक्षा में, उस गांव के आरोग्य की व्यवस्थाओं में, उस गांव की सरकार की जन सुविधाओं की सेवाओं में आमूलचूल परिवर्तन आने वाला है। और उसी डिजाइन को लेकर के जो हम चल रहे हैं, उसी का हिस्सा है कि आज देश के अलग अलग कोने से आए हुए
एक कम्युनिटी सर्विस सेंटर के लोग जिन्होंने कोर्स किए हैं और कुछ लोग करने वाले हैं, और आने वाले दिनों में 6 करोड़ परिवारों में एक एक व्यक्ति को इस शिक्षा दी जाएगी, वो उसकी रोजी रोटी का भी एक साधन बनने वाला है, क्योंकि अब सर्विसेज उसके द्वारा हो रही है और उस दिशा में हमें प्रयास करना है। कभी कभार अनुभव ऐसा आता है कि बहुत लोग आपने देखे होंगे कि बढ़िया से बढ़िया मोबाइल का अगर मॉडल आया, टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखी, अखबार में, मैगजीन में पढ़ लिया, या गूगल गुरु ने बता दिया, तो सबसे पहले वो काम करता है उस मोबाइल को खरीदना। आपको 80% लोग ऐसे मिलेंगे जिनको मोबाइल के अंदर इतनी सारी चीजें हैं लेकिन न उसका अता पता है, न उसको उसको उपयोग करने की आदत है। शायद यहां आईआईटी में भी कुछ लोग मिल जाएंगे जिनको पूरी तरह मोबाइल उपयोग करने की आदत नहीं होगी। अच्छे से अच्छे मॉडल का मोबाइल रखते होंगे, और इसलिए अगर डिजिटल लिटरेसी है तो जो हमने खर्च किया है उसका भी हम सर्वाधिक उपयोग कर सकते हैं और हम एक प्रकार से वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, और इसलिए ये डिजिटल लिटरेसी का, डिजिटल इंडिया का अभियान चलाया है। लेस कैश सोसाइटी बनाने में भी ये डिजिटल लिटरेसी का काम बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। भारत सरकार ने जो भीम ऐप बनाई है, दुनिया के देशों को अजूबा हो रहा है, हमारे पास जो आधार डिजिटली बायोमेट्रिक सिस्टम से जो डाटा बैंक है हिंदुस्तान के पास, पूरे विश्व के लिए अचरज है। इसको जोड़ करके हम विकास को और एम्पावरमेंट को जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और उसका मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा उपयोग होने वाला है। आज मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज यहां इस आईआईटी के नए कैंपस का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। अगर चुनाव के दिन होते और मैंने उस समय ये जमीन देने का निर्णय किया होता, करीब करीब 400 एकड़ भूमि, और वो भी गांधीनगर में, और वो भी साबरमती नदी के तट पर, ये जमीन कितनी महंगी होए उसका आप अंदाज कर सकते हैं। और जिस दिन ये 400 एकड़ भूमि देने का निर्णय किया, तो कुछ लोग अगर चुनाव होता तो निकल पड़ते, जैसे इन दिनों बुलेट ट्रेन के खिलाफ बोलते रहते हैं, उस समय भी बोलते कि मोदी, अरे गुजरात के गांव में प्राथमिक शिक्षा का मकान है वो तो ढीला ढाला है, और तुम आईआईटी बनाने में पैसे लगा रहे हो, जरूर आलोचना करते। लेकिन अच्छा था जिस समय मैंने जमीन का निर्णय किया उस समय चुनाव के मौसम नहीं था। लेकिन अब आपको पता चलता होगा कि ये कैसा दीर्घदृष्टिपूर्ण निर्णय था, और मैंने उस दिन कहा था सुधीर जैन जी को और हमारे डिपार्टमेंट के लोगों को याद होगा, मैंने कहा था आईआईटी एक ब्रांड है, हिंदुस्तान में आईआईटी एक ब्रांड बन चुका है, लेकिन आईआईटी के बीच में अंदर कैंपस ब्रांड ज्यादा ताकतवर पुरवार होगी। किस आईआईटी का कैंपस कैसा है, ये आने वाले दिनों में चर्चा का विषय रहेगा, और इसलिए मैंने कहा था कि मुझे गुजरात में ऐसा कैंपस चाहिए जो हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट आईआईटी कैंपस का अंदर शिरोमोर ये कैसे बन सके। और आज मुझे देख करके खुशी हुई कि कैंपस हिंदुस्तान की प्रमुख आईआईटियों के बराबरी में आकर के आज खड़ा हो गया है। कैंपस की अपनी एक ताकत होती है, दूसरी ताकत होती है फैकल्टी की। मुझे खुशी है, मुझे बताया गया कि आज गांधीनगर आईआईटी में 75% फैकल्टी वो है जो विदेशों में ट्रेन होकर के आई है, एक्सपर्टाइज प्राप्त करके आई हुई है,
और उन्होंने अपना सभय शक्ति इस आईआईटी के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेट करने का निर्णय किया है। मैं उनके इस निर्णय का स्वागत करता हूं, लेकिन भारत सरकार ने चुनौती दी है देश की शिक्षा संस्थाओं को। मैं चाहता हूं कि आईआईटी गांधीनगर इस चुनौती के लिए मैदान में आए। आएंगे? क्या हो गया सारे आईआईटीयंस का? आवाज तो वहां से आ रही है। पहली बार हिंदुस्तान में शिक्षा क्षेत्र में एक ऐसा रिफॉर्म हुआ है जिसकी सालों से अपेक्षा थी, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता था। आज दुनिया में 500 टॉप यूनिवर्सिटीज आजादी के 70 साल के बाद भी इन 500 टॉप यूनिवर्सिटी में हम कहीं नजर नहीं आते। क्या ये कलंक मिटना चाहिए कि नहीं मिटना चाहिए? क्या 2022 भारत की आजादी के 75 साल हो, तब तक हम हमारी यूनिवर्सिटीज को उस ऊंचाई पर ले जा सकते हैं ताकि हम भी दुनिया के अंदर कह सके हम भी कुछ कम नहीं है, कर सकते कि नहीं कर सकते? भारत सरकार ने पहली बार निर्णय किया है कि 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज चैलेंज रूट पर उनको सिलेक्ट किया जाएगा। करीब 1000 करोड़ रुपया लगाया जाएगा और जो ऐसी 10 यूनिवर्सिटीज हैं, 10 प्राइवेट 10 पब्लिक, वे चैलेंज रूट से अगर जीतती जीतती ऊपर आती हैं और ग्लोबल स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिश करती हैं, तो आज भारत सरकार के और राज्य सरकारों के जितने नियम हैं उन नियमों से उनको मुक्त करके वो ही उनकी दुनिया, वही उनका देश, वो ताकत दिखाएं और कुछ करके दिखाएं, इतनी स्वतंत्रता उनको दी जाएगी। सिलेबस में, कैंपस में, फैकल्टी में, खर्च करने में वे अपना फैसला करें, सरकार कहीं आएगी नहीं। और आपको परिणाम लाकर के देना होगा। सरकार 1000 करोड़ रुपया लगाने के लिए इन 20 यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हुई है। गांधीनगर आईआईटी के पास इतना बड़ा 400 एकड़ का कैंपस हो, 1700 करोड़ रुपये की लागत से सारी व्यवस्था खड़ी हुई हो, मुझे विश्वास है कि सुधीर जैन और उनके टीम और ये पूरे हमारे नौजवान मिलकर के बीड़ा उठाएं और आगे आएं। किसी भी देश में विकास करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को जितना हम समय समय पर निर्माण करें बहुत आवश्यक होता है। गुजरात इस बात के लिए गर्व कर सकता है कि पिछले 10 साल के भीतर भीतर गुजरात ने ग्लोबल लेवल के इंस्टीट्यूशन देश को दिए हैं। आज भी दुनिया में कहीं पर भी फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है, गुजरात अकेला है जिसकी अपनी फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, दुनिया की एकमात्र यूनिवर्सिटी है। आज भी हिंदुस्तान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन IITE ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो बेस्ट क्वालिटी के टीचर तैयार करें। टीचिंग में ही उनका ग्रेजुएशन है, टीचिंग में ही उनका पोस्ट ग्रेजुएशन हो और उत्तम से उत्तम टीचर वहां से निकले। गुजरात पहला देश का राज्य है जिसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन ऐसी एक यूनिवर्सिटी बनाई है। गुजरात पहला राज्य है जिसने चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी बनाई है। दुनिया में कहीं पर भी चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी नहीं है। आज माइक्रो फैमिली की दिशा में दुनिया आगे बढ़ रही है। मां भी अपने में व्यस्त है, बाप भी अपने में व्यस्त है, बच्चा
परिवार में जो काम करने वाले लोग हैं उनके भरोसे छोड़ दिया जाता है। समय की मांग है, हमने एक ऐसी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट करनी होगी कि हमारे छोटे छोटे बालक, उनका सही डेवलपमेंट हो, उनकी सही खातिरदारी हो, उनका विकास एक उत्तम नागरिक के लिए जो जड़े जमानी हो वो बचपन में हो। और उसके लिए रिसर्च का काम ये चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी करें, बच्चों के खिलौने कैसे हो, बच्चे जिस कमरे में हैं उनके दीवारों के कलर कैसे हो, बच्चों को किस प्रकार के गीत सुनाए जाएं, बच्चों को न्यूट्रिशन वैल्यू वाले खाने कौन से होना चाहिए, बच्चों को पढ़ने की मॉडर्न टेक्निक क्या हो ताकि आसानी से वो पकड़ पाए, ये सारे रिसर्च की आवश्यकता है। पहले तो परिवार संयुक्त हुआ करता था और परिवार अपने आप में एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी और बालक दादी माँ से एक सीखता था, दादा से दूसरा सीखता था, चाचा से तीसरा सीखता था, माँ से एक सीखता था, फूफा से एक सीखता था। आज माइक्रो परिवार के अंदर उसके लिए ये शिक्षा का दाम बंद हो चुका है। तब जाकर के विचार आया था कि दुनिया को आने वाली पीढ़ियों के बच्चों की चिंता करने के लिए, और उसमें से चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ था जो इसी गुजरात की धरती पर पैदा हुआ। क्राइम की दुनिया में तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, एक लीगल फैकल्टी, दूसरी पुलिस और तीसरी क्राइम डिटेक्शन के लिए फॉरेंसिक। गुजरात ने तीनों पर काम किया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाई जो उत्तम से उत्तम लॉयर तैयार करेगी, उत्तम से उत्तम जज तैयार करेगी और जुडिशरी के पार्ट को संभालेगी। पुलिस एकेडमी यूनिवर्सिटी बनाई है, हिंदुस्तान में चंद यूनिवर्सिटी है जो पुलिसिंग के लिए है, गुजरात उसमें से एक राज्य है। गुजरात देश का दूसरा राज्य था जिसने ये पुलिस यूनिवर्सिटी बनाई, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, और जहां जो यूनिफॉर्म फोर्सेज में जाना चाहता है वो यूनिफॉर्म फोर्सेज में जाने वाला 10वीं 12वीं कक्षा के बाद ही उस धारा में आ जाए, सारी पढ़ाई वहीं हो जाए, कम्युनिकेशन स्किल आ जाए, क्राउड मैनेजमेंट आ जाए, क्राउड साइकोलॉजी आ जाए, हिंदुस्तान के आईपीसी धाराओं का उसको पता हो जाए और पढ़ लिख करके ही फिर पुलिस की रिक्रूटमेंट के लिए जाए, तो एक क्वालिटेटिव चेंज भारत की सुरक्षा क्षेत्र में लाने की दिशा में गुजरात ने पहल की। और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, आज सारे क्रिमिनल घटनाएं आप देखते होंगे टेक्नोलॉजी के द्वारा क्राइम पकड़े जा रहे हैं, अगर फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की ताकत, जितने फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट उत्तम तैयार होंगे, साइबर क्राइम हो या अदर और क्राइम हो उसको उसमें से बचने के लिए, उसमें से डिटेक्ट करने के लिए, गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए ये फॉरेंसिक वर्ल्ड सबसे बड़ा रोल पैदा करने वाला है। तो ऐसी तीनों विधाओं को इसी गुजरात की धरती पर एक साथ डेवलप किया गया है जो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाले। और आज देश और दुनिया के लोग इन जो नए प्रयोग किए हैं यूनिवर्सिटीज के, उनके साथ जुड़ रहे हैं। और इसलिए आज जब IITians के बीच बैठा हूं मैं, तब मैं जानता हूं आपका काफी समय लैब में जाता है, आप कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर एग्जाम ओरिएंटेड इनोवेशन, एग्जाम ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा देश का नौजवान इसी एक गलियारे में बंद करके रह जाए। समय की मांग है हम इनोवेशन को बल दें। भारत सरकार ने नीति आयोग में एम नाम के एक इंस्टीट्यूट डेवलप की है, अटल इनोवेशन मिशन एम AIM, और उसके द्वारा हम देश की जो चैलेंज रूट से सिलेक्ट होती है ऐसी स्कूलों को टिंकरिंग लैब के लिए पैसे दे रहे हैं और 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं के बच्चों को इनोवेशन के लिए प्रेरित करते हैं। हिंदुस्तान का भाग्य बदलने के लिए हमारे पास जो नेचुरल टैलेंट है हमें इनोवेशन में जाना पड़ेगा।
जिस देश के अंदर आईटी की महारत हो लेकिन गूगल किसी और देश में पैदा हो, जिस देश में आईटी की महारत वाले नौजवान हो लेकिन फेसबुक कहीं और हो, जिस देश में आईटी की महारत हो लेकिन यूट्यूब कहीं और हो, मैं चाहता हूं, मैं देश के नौजवानों को चुनौती देता हूं, आइए हम दुनिया का भाग्य बदलने के लिए, भारत का भाग्य बदलने के लिए इनोवेशन के रास्ते को पकड़े। और ऐसा नहीं है कि बुद्धि किसी की बपोती होती है, अरे एक बार आप उलझ जाओगे तो आप भी नई चीजें खोज करके रहोगे और देश और दुनिया को बहुत कुछ दे के जाओगे। लेकिन कभी कभार हमें कुछ नया करने का तो मूड रहता है लेकिन अच्छा इनोवेशन का तरीका दूसरा होता है। और मैं आपको गाइड करना चाहता हूं आज। मैं आशा करता हूं कि मेरी इस बात को आप गौर से सुनेंगे। आप जो एकेडमिक नॉलेज है, आपने जिस सर्किट को पढ़ा होगा, जिस बेसिक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पढ़ा होगा, उसके आधार पर इनोवेशन करना एक तरीका है। दूसरा तरीका है आप अपने अगल बगल में समस्याओं को देखिए, कठिनाइयों को देखिए और फिर सोचिए कि मैं इसका समाधान दे सकता हूं क्या। वो तो बेचारा एक भला व्यक्ति है, तकलीफ से जी रहा है, मैं आईआईटीयन हूं, मैं कुछ करूंगा ताकि इसकी जिंदगी में सुधार आए और वही इनोवेशन बन जाएगा और वो कभी इतना बड़ा स्केलेबल हो सकता है कि एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बन सकता है। हमारे देश में ऐसी ढेर सारी समस्याएं हैं। अब आज जैसे स्वच्छता का अभियान चल रहा है, क्यों ना इनोवेशन करने वाले मेरे नौजवान वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट करने वाले इनोवेशन के नए नए प्रोजेक्ट क्यों ना करें। आज सोलर एनर्जी पे काम चल रहा है, आज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, ये शब्द हमारे कान पे आ रहे हैं। हम भारत के स्वभाव के अनुसार हम ऐसे क्या इनोवेशन करें क्या कि हर घर के अंदर ये चीज आसानी से हम पहुंचा सकें। अगर भारत जहां इतनी बड़ी सोलर एनर्जी उपलब्ध है, हम कुकिंग के लिए हर परिवार के खर्च से मुक्त कर सकते हैं क्या, हम सोलर एनर्जी से चलने वाली एनर्जी जनरेट करके एनर्जी से चलने वाले कुकिंग इक्विपमेंट क्यों ना बनाएं, खाना उसी पर पके, न उसको गैस लेने के लिए जाना पड़े, न उसको चूल्हा जलाना पड़े, खुद का ही सोलर प्लांट हो, छत के ऊपर दो सोलर पैनल लगी हो, घर में आवश्यक खाना पक जाता हो, गरीब के घर में मध्यम वर्ग के परिवार का किचन के अंदर फ्यूल का जो खर्चा होता है बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। छोटी छोटी चीजें हम देख रहे हैं, उन्हीं को इनोवेशन के रूप में क्यों ना पकड़े, हम समाधान क्यों ना खोजे। मुझे विश्वास है आईआईटी गांधीनगर एक कल्चर पैदा करे, इनोवेशन का कल्चर पैदा करे और वो कल्चर नीड बेस्ड होना चाहिए, नॉलेज बेस्ड नहीं। नीड बेस्ड होगा तो वो इनोवेशन सस्टेन कर जाता है, वो स्केलेबल हो जाता है, वो कॉमर्शियल उसको अवसर भी मिल जाता है और बहुत बड़ी कंपनियां इसको परचेज करने के लिए भी आगे आती है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आईआईटी इस दिशा में काम करे। मैं आईआईटी के नौजवानों से और एक बात बताना चाहता हूं, शायद हिंदुस्तान में गुजरात पहला राज्य है जिसने आई क्रिएट नाम की एक इंस्टीट्यूट पैदा की है। बहुत कम लोगों ने यह नाम सुना होगा। अब उसकी उम्र भी मेरे अंदाज से करीब 3-4 साल हो गई है। अभी उसके भवन का लोकार्पण बाकी है, मैं समय दे नहीं पा रहा हूं लेकिन दे दूंगा। ये आई क्रिएट राज्य के और देश के जो इनोवेशन में इंटरेस्ट रखते हैं इनको इंक्यूबेशन प्रोवाइड करने का काम करती है। वहां रहने की व्यवस्था है, लैब है, आपके आइडिया सरकार वहां अवसर देने को तैयार है। आप ऐसे इनोवेशन कीजिए जो भारत के जीवन में बदलाव लाने के लिए सरलता से व्यवस्थाओं को विकसित कर सके। ये आई क्रिएट अपने आप में हिंदुस्तान में इकलौती ऐसी संस्था है और दुनिया की अच्छे से अच्छी इनोवेशन करने वाली इंस्टीट्यूशन के साथ
उसका कोलैबोरेशन किया हुआ है। ये मैं ऐसी जानकारी आपको दे रहा हूं जो सामान्य अखबार की सुर्खियों में रहने वाली चीजें नहीं है, लेकिन देश का भविष्य जो युवा पीढ़ी बनाती है उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं दोस्तों आपसे अपेक्षा करता हूं कि 2022 भारत की आजादी के 75 साल, 5 साल हमारे पास है। 1942 में महात्मा गांधी ने कहा था हिंद छोड़ो, क्विट इंडिया। 5 साल के भीतर भीतर देश ऐसा खड़ा हो गया, अंग्रेजों को बोरिया बिस्तरा उठाकर के जाना पड़ा। मेरे देशवासी, 5 साल अगर हम भी खड़े हो जाएं कि देश से गरीबी जानी चाहिए, देश से जातिवाद जाना चाहिए, देश से भ्रष्टाचार जाना चाहिए, देश से भाई भतीजावाद जाना चाहिए, ये सब होके रह सकता है देश, तो आइए मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलिए, ये हम करके रहने का संकल्प लेकर के चल पड़े दोस्तों। मैं आईटी के नौजवानों से और भी एक बात बताना चाहता हूं। जब कॉन्वोकेशन होता होगा तब तो आपको बहुत सलाह दी जाती होगी, बहुत कुछ बताया जाता होगा। इतने बड़े भव्य भवन में आप रह रहे हैं, भव्य भवन के अंदर आप शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, क्या इसलिए संभव हुआ है कि आपके पास तेज दिमाग है? क्या इसलिए संभव हुआ है कि आपके माता पिता संपन्न थे और उनकी स्थिति अच्छी थी, इसलिए उन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया है? ये सब सच होने के बावजूद भी मेरे नौजवान साथियों, आप इस भव्य कैंपस में इसलिए हैं, आप इतनी बढ़िया से बढ़िया शिक्षा प्राप्त करने के भाग्यशाली इसलिए हुए हैं कि किसी न किसी गरीब ने इसके लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया है, किसी गरीब के हक का आपको मिला है। ये 400 एकड़ भूमि अगर सरकार ने उसको बेच करके पैसे ला करके गांवों के अंदर प्राथमिक शिक्षा के मकान बनाए होते तो कितने सारे मकान बन जाते, पीएससी सेंटर बनाए होते तो कितने सारे बन जाते। लेकिन देश के उज्जवल भविष्य के लिए ये 400 एकड़ भूमि मेरे देश के भविष्य के लिए यहां लगाई गई है। समाज के किसी गरीबी तबके ने अपना छोड़ा है तब हमने पाया है। अगर ये भाव मन के अंदर रहा तो आईआईटीएन होने के बावजूद भी समाज के प्रति मेरी जो संवेदना है वो कभी कम नहीं होगी। समाज के लिए कुछ करने का मेरा इरादा है, उसमें कभी भी कमी नहीं आएगी। और जीऊंगा तो भी मेरे देश के सामान्य मानवी के लिए जीऊंगा, कुछ पाऊंगा करूंगा करके रहूंगा तो भी मेरे देश के सामान्य मानवी के लिए करके रहूंगा। इस भाव को लेकर के इस नए भवन के लोकार्पण के समय आप भी हृदय में संकल्प करें, इसी एक आशा के साथ आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो वादे नहीं इरादे लेकर आते हैं, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेरणादायी संबोधन के लिए। इसी के साथ आज का ये समारंभ यहाँ समाप्त करते हैं। आईआईटी गांधीनगर परिवार को अनेक शुभकामनाएं, पीएमजी दिशा के लाभान्वितों को अनेक अभिनंदन। आज के इस समारंभ में पधारे आप सभी अतिथिगण, विश्वविद्यालयों के उपकुलपति महोदय, विद्यार्थीगण, मीडिया के दोस्तों और सीधा प्रसारण देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हिना सक्सेना को इजाज़त दें, नमस्कार।